गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिर्फ 10 रुपए में घर पर ये हेयर प्रोटीन मास्क बना लीजिए। ये ना सिर्फ आपके बालों का झड़ना रोकेगा बल्कि आपके बालों को काला, लंबा, घना भी कर देगा। इतना ही नहीं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे, सूखे और बेजान हो गए हैं तो उनमें नई जान और नया ग्लॉसीपन लेकर आएगा। और जरा दिल थाम कर बैठिए। इतना ही नहीं, अगर आपके बाल दो मुहे हो चुके हैं या डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा है या बालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं रहा तो ये सारी समस्याएं भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, वो भी सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ही। ये घर पर रखी चीजों से ही बनाना है, आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, आपके पैसे बचाएगा। और अगर आपने बहुत तरह के ट्रीटमेंट करके अपने बालों का सत्यानाश कर लिया ना तो वो भी गारंटी देती हूँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको फ्यूचर में कभी भी अपने बालों के लिए तो कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो प्लीज इसको कैसे बनाना है, किन किन चीजों की जरूरत है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखकर फॉलो करिएगा। और जब रिजल्ट आपके बालों में आ जाए, यानी जैसे ही आप लगाएंगे और वॉश करेंगे, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा, तो वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना बिफोर एंड आफ्टर का। मेरा अकाउंट है @ishamehra इंस्टा पे, और फेसबुक पे मेरा अकाउंट है हेयर टाइम, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जस्ट वेट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इतना ही, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक तो किया करें, लाइक करें, भर भर के लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, अब इस प्रोटीन हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको 1 चम्मच खट्टा दही। अगर दही खट्टा नहीं है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप 3 से 4 घंटे के लिए उसको बाहर रख दीजिए, ऐसे ही किचन में या कहीं पर भी अपने आप खट्टा हो जाएगा, क्योंकि खट्टा दही आपके बालों को ज्यादा अच्छे से कंडीशनिंग करने का काम करता है। अब जान लेते हैं कि दही के फायदे क्या है। दही भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन से भरा होता है, ये आपके बालों को पोषण देता है। अगर आपके स्कैल्प में पोषक तत्वों की कमी हो गई है तो बिल्कुल पूरी हो जाएगी, आपके बाल पहले से बहुत ही ज्यादा शाइनी, ग्लॉसी हो जाएंगे। अगर आपका हेयर फॉल रुक नहीं रहा, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आने शुरू हो जाएंगे, आपके बालों की पहले से ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनकी थिकनेस बढ़ जाएगी, आपके बालों में नई जान आ जाएगी। इनफैक्ट अगर आपके बाल दो मुहे हैं या डैंड्रफ की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि दही में होता है एंटी फंगल गुण जो आपके स्कैल्प से सारे डैंड्रफ को खत्म करता है। और कोई भी अगर आपको स्कैल्प में एलर्जी है, इचिंगनेस की समस्या है तो उसको भी बहुत अच्छे से ये दूर करता है। अब इसमें हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, अंडे का वाइट पोर्शन, यानी एग का वाइट पोर्शन, क्योंकि अंडे में होता है प्रोटीन, मिनरल्स, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स, जो आपके बालों के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व होते हैं। साथ में इसमें होता है बायोटीन जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं, आपके बालों का विकास करते हैं, बालों को मोटा और घना बनाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके जो बाल बिल्कुल पतला सा हो गया ना उसको बिल्कुल मोटा करना शुरू कर देगा। तो अंडा आपके बालों के लिए बिल्कुल वरदान का काम करता है, इससे अगर आप यूज करते हैं तो प्लीज इसको जरूर ट्राई करें। ये मत कहना कि मैं अंडा नहीं खाता, नहीं खाता तो थोड़ा सा स्मेल बर्दाश्त कर लो। वैसे वाइट पोर्शन में स्मेल नहीं होती है, लेकिन अपने बालों का अगर अच्छा करना चाहते हो, भला करना चाहते हो तो प्लीज इसको यूज जरूर करना। ये मत कहना कि मैं स्किप कर सकती हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना तीसरा मेन इंग्रेडिएंट, विटामिन ई का 1 कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल इजीली आपको कहीं भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा, बहुत सस्ता है। इसका ऑयल आपने इस प्रोटीन मास में ऐड करना है। अगर आपके बाल कमर जितने हैं तो आप 2 कैप्सूल ऐड कर लीजिए, नहीं तो 1 कैप्सूल इनफ है। विटामिन ई आपके बालों को नेचुरली नरिश करता है, आपके बालों की ग्रोथ होने में हेल्प करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बालों का झड़ना रोकता है। तो आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन ई, जैसे आपके स्किन के लिए ज़रूरी होता है वैसे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। देखिए, अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं ना तो प्लीज इसकी एक शीशी घर में लाकर रख दीजिए। आप खुद देख सकते हैं मेरी ऑलमोस्ट बॉटल ये खत्म हो चुकी है, बहुत थोड़ा सा ऑयल बचा है, क्योंकि जब भी मुझे ऑयलिंग करने का टाइम मिलता है मैं हमेशा कैस्टर ऑयल का 1 चम्मच उसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि ये आपके बालों की वॉल्यूम को बढ़ाता है, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है, आपके बालों को पोषण देने का काम करता है। जैसे आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बहुत अच्छे पोषक तत्वों की, अच्छी डाइट की, तो ये आपके बालों का एक बहुत ही डाइट प्रोटीन मास्क है जो आपको उनको खिलाना है, लगाना है और आपके बाल बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
तो यहाँ पर रेडी है हमारा बेहतरीन वाला प्रोटीन हेयर मास्क। तो अब इस हेयर मास्क को हम अपने बालों में लगाएंगे। आपको अपने बालों को अच्छे से जड़ों से खोल लेना है और इस तरह से अपने बालों का पार्टीशन करके अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लीजिए। बाकी बचा हुआ अपने बालों की लेंथ में लगाएं और हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। उसके बाद अपने बालों को किसी भी रबर बैंड या क्लचर से सिक्योर कर लें। तो अब आपने क्या करना है, अपने बालों को सब्जी वाली कोई भी थैली होती है या शॉवर कैप से अपने बालों को कवर कर लेना है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। इस टाइम पे कूलर, एसी, पंखा चल रहा होता है, जिससे जो आपका प्रोटीन मास्क है वो ड्राई हो जाएगा और आपके स्कैल्प में अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा। तो जब आप कोई पॉलिथीन से कवर करेंगे तो उसका पूरा मॉइस्चर आपके स्कैल्प में जाएगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। 1 घंटे बाद आपने नॉर्मल शैम्पू कर लेना है और शैम्पू के बाद आप कोई भी कंडीशनर जो आप लगाते हैं अपने बालों की लेंथ में वो लगा लीजिए। ओवर शैम्पू बिल्कुल मत करना, ठीक है। उसके बाद अब जान लेते हैं इसको लगाना कब है, हफ्ते में कितनी बार इसका इस्तेमाल करना है। आपको इस प्रोटीन मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में कम से कम 3 बार करना है। आप अपने बालों में रिजल्ट 1 टाइम के इस्तेमाल के बाद ही देख पाएंगे। चलिए अब मैं आपसे वॉश करके इसको मिलती हूँ। ओ माई गॉड, तो आप देख सकते हैं मेरा बिफोर एंड आफ्टर। मेरे बाल पहले कितने रूखे सूखे और बेजान से लग रहे थे और आप देखिए कितने शाइनी और ग्लॉसी लग रहे हैं। बालों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, बालों का वॉल्यूम बढ़ चुका है, बालों में एक नई जान दिख रही है और बाल पहले से ज़्यादा स्ट्रेट भी हो गए हैं। अगर आपके हेयर्स भी कर्ली है ना, तो अगर आप इस प्रोटीन मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको जाओ लगाओ और उसका रिजल्ट मुझसे शेयर करो यार। मैं आपके प्यारे से कमेंट का वेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर करना, कमेंट में डन लिखना अगर आपने इस हेयर मास्क को ट्राई करा है और जो रिजल्ट रहा प्लीज़ पक्का से आना। इंस्टा पे मुझे फॉलो करना, @ishamhera मेरा अकाउंट है। फेसबुक पे मेरा अकाउंट है हेल्थ टाइम। बाय यारो, ट्राई करो, बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर आपका बच्चा छोटा 10 साल का भी है ना, तो भी इसको लगा डालो, बहुत अच्छे उसके बाल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।